ओ मैंने तेरे को कहा था ना कि इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मान गए गुरु, मान गए। क्या माधवी, रोशन भाभी, आप तो ना इतने आसानी से उल्लू बन गए। मुझे बोला ना काय चलो। चाचा जी, इस ग्लास में क्या है? अरे इसमें ठंडी चाय है। मतलब बेटा तुम दोनों क्या समझे थे इसमें क्या है? हाँ, हमें लगा कि दोनों मिलके पार्टी शार्टी कर रहे हैं और आपको भी अनजाने में कुछ पिला दिया। अरे तुम लोग भी कुछ भी सोचते हो। अरे ऐसा थोड़ी करेंगे ये लोग। रोशन ने मुझे जानबूझ के शक करवाया। सॉरी सॉरी रोशन, ओ मैं तो मजाक कर रहा था। हर बार मैं पार्टी शार्टी नहीं करता। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। वैसे मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था। ए, चल चल फेंको मत अभी, तुम भी उल्लू बन गई थी माधवी। हमने तुम्हें आसानी से चकमा दे दिया है। ओ यारो, ओ इस बात में तो पार्टी चार्टी होनी चाहिए। सर, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक आपके लिए स्पेशल आयोजन हो गया है। वाह वाह, अच्छा है। लेकिन स्पेशल आयोजन मतलब क्या? ये एक सरप्राइज है। अरे वाह, ये पण सरप्राइज देतात। कल सुबह ठीक 8 बजे आप लोग सब रेडी रहना। पहुंच जाएंगे 8 बजे सुबह सब जमा हो जाएंगे। थैंक यू। अरे चलो चलो ठंडी चाय पीते। और टप्पू पुत्र, ओ अब तो बता दो सरप्राइज क्या है? सोडी अंकल, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये गोवा का खास आइटम है। इंतजार ठीक है, कर लेते हैं भाई। गोवा का खास आइटम क्या हो सकता है? मुला ना माँ, अभी शुरू होगा। बस थोड़ी देर, क्या शुरू होता होगा? Ladies and gentlemen, I'm the King Momo. Welcome to Goa. Viva Carnival. Hello. Momo, Momo तो खाने की चीज होती है ना? नहीं नहीं बाबा, मोमो कार्निवल का राजा होता है जो कार्निवल को ओपन करता है। हाँ, लेकिन कार्निवल तो फरवरी में होता है ना? अरे बीड़े अंकल, वो फाइनल एग्जाम के पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होती है ना, वो सैंपल टेस्टिंग, वो ही है। वाह वाह वाह। Let's start the carnival. Come on everyone, dance with me. अच्छा सुनिए सुनिए, अब एक घंटे में गोवा घूमने जाएंगे। ओके
और आपको रेस्ट करें तो आप रेस्ट कर लीजिए, तब तक टपू सेना स्विंग करेगी। ये टपू, तू ये पानी में कैमरा क्यों लेके आ गया है? ये होटल वालों ने स्पेशली हमें दिया है, इससे हम लोग अंडर वाटर भी शूट कर सकते हैं। अंकल, अंकल, मेरे हत्ते चढ़ जा, मैं मैं भाग्या सुनी, भाग्या वो भाग्या, अरे भाग्या मेरे हत्ते लग जाता ना तो मैं इसकी चटनी बना देता हूँ। अरे शांत हो जा सुनी, शांत हो जा, वो भाग गया ना, जाने दे उसे। चोरों को ऐसे कैसे जाने दे? अरे तूने मेरा पाउच बचा लिया ना, वही बहुत है। चलो चलो, अरे हमें और भी जगह घूमना है ना, चलो चलो भाई चलो। जी नजारा कितना सुंदर है ना। हाँ, अरे अपना तो पूरा देश ही सुंदर है। हाँ। कहीं भी जाओ बस सुंदरता ही सुंदरता है। वाह वाह, बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही मजा है। अरे बच्चा इसका, अरे बच्चा दिया, बहुत ही मजा आ गया। अरे बच्चा दिया, अरे दादाजी, 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 संभल संभल, दादाजी, 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 दादाजी ठीक हो ना? हाँ ठीक हो, देखा इसलिए कह रहा था, जरा आराम से उतरो, आराम से उतरो। सॉरी सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी मजा आ गया। किसमें? फिसलने में? अरे गोली डा फिसलने में नहीं, चल देखने का बहुत मजा आया, बहुत अच्छा चल था, बहुत मजा आया। हाँ चलो चलो, अरे एक में हाथ पकड़। हाँ आराम से।
हेलो टोनी के बच्चे, पता मूर्ति मिली या नहीं? सॉरी बॉस, वो मूर्ति नहीं मिली। सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ और स्विमिंग पूल के पास मेरे पास एक सॉलिड चांस था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक बॉल मुझसे आके टकराया और स्विमिंग पूल में मुझे कपड़ों के साथ डुबकी लगानी पड़ी। तुझे स्विमिंग पूल में नहीं, चुल्लू भर पानी में डुबकी लगानी चाहिए, और मुझे यकीन है तो उसमें भी डूब जाएगा। यू स्टूपिड इडियट टफर फूल। कूल कूल, स्विमिंग पूल का पानी बहुत ही कूल था बॉस, बहुत ही ठंडा था। मुझे जुकाम हो गया है, अब ये रनिंग नोज के साथ मुझे मूर्ति के पीछे भी रनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन डोंट वरी बॉस, मैंने भी पता लगा लिया है कि मूर्ति कहाँ पर है। तो ले क्यों नहीं लेता मेरे बाप? बॉस, मैं मूर्ति लेने गया था, लेकिन हाथ में लेकर आया मैं पट्टी। मैं बुरी तरीके से घायल हूँ बॉस। यू स्टूपिड इडियट टफर फूल। कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। अरे मूर्ति कब मिलेगी टोनी? मिल जाएगी बॉस, मूर्ति मिल जाएगी। इस बार मैं चांस पे डांस भी करूंगा और मैं करवाऊंगा भी, लेकिन आपकी मूर्ति मैं लेकर आऊंगा। हाँ बॉस, मुझे किसी भी कीमत पे वो मूर्ति चाहिए, वरना तेरी मूर्ति बना दूंगा, समझ गया? अरे बच्चों, ये तो बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दादाजी आगे बहुत ही मस्त बीच है, वहीं जा रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। On, move, move. पांडे बेटा, तुम यहाँ गोवा में? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी गोवा घूमने आए? अच्छा अच्छा, गोवा बहुत अच्छी जगह है। आगे ना एक बहुत ही मस्त बीच है, हम भी वहीं जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। ओ पांडे जी, हम भी तो ड्यूटी पे ही है, अपनी अपनी बीवियों की। ओ क्राइक क्या पियो, ओ अपने अपने बीवियों को गोवा घुमाना, ये रोमांटिक ड्यूटी है जी। रोमांटिक ड्यूटी है। एक्सक्यूज मी। हाँ बासुंदी, मैं गोवा बीच पर नहीं हूँ, मैं कुछ लोगों के बीच में हूँ और मैं ड्यूटी पर हूँ। सुनो तो सही, पेट्रोल चालू पाने जी, की प्रॉब्लम हो गया जी? बासुंदी का फोन, मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ? नहीं नहीं जी, परजाई जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने हमको क्यों रोका है, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 5 करोड़ की प्रॉब्लम। हमें शक है कि तुम लोगों के पास 5 करोड़ की मूर्ति है। 5 करोड़ की मूर्ति हमारे पास? इंस्पेक्टर साहब, 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, पर्सनली मैं अपने जेब में 500 रुपए से ज्यादा की चीज रखता ही नहीं हूँ। हाँ सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है? हाँ, अभी पता चल जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने पाउच मुझे दीजिए, इनमें से किसी एक पाउच में वो 5 करोड़ की मूर्ति रखी गई। ठीक है चलो अंकल, आप देख के तसल्ली कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। That I will decide. एक मिनट, hands up, hands up. चालू पांडे जी, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो करो सोड़ी। पुलिस के सामने कोई सवाल नहीं, तुम लोगों को पिछले 2 दिन से तुम लोगों के पीछे घूमते घूमते मैं कितना, मेरा मतलब है कि पुलिस कितना परेशान हो गई है। पांडे बेटा, तुम 2 दिन से साइकिल पे घूम रहे हो? नहीं नहीं, 2 दिन से तो ये दौड़ रहे। ये कौन है? आप कौन है? हम लोग के यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने आए। अरे गोवा पुलिस, गोवा। ओहो अच्छा, आप गोवा पुलिस और ये मुंबई। मैं मुंबई से हूँ, कहिए क्या काम था? ये पाउच तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? लाओ मुझे दो। नहीं, मैं पाउच नहीं दूंगा। अरे इनमें से किसी एक पाउच में 5 करोड़ की मूर्ति है। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा पाउच। पाउच दो, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। चालू पांडे जी, ये तो आपका तकिया यूज कर रहे हैं। तकिया नहीं रे, तकिया कलाम होता है। ओ हाँ, करेक्ट है।
अरे पांडे जी, आप इनको बता दीजिए ना कि आप। मैं इनको सब कुछ बता दूंगा, आप शांति रखिए। ऐसे हुल मत दो, बहुत देखे तुम जैसे। ओए ओड़ो इसको। अरे ये, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे वो चालू पांडे इंस्पेक्टर। चाचा जी, इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो करने दो, आप शांति बनाए रखिए। कोई भी अपना हाथ नीचे नहीं करेगा। हाँ, ये पाउच मेरे हवाले करो। नहीं, मैं ये पाउच आपके हवाले नहीं करूंगा। ये पाउच मेरे हवाले करो, मैं कह रहा हूं। ठीक, अगर आप लोग हाथ छोड़ेंगे तभी तो मैं इनको ये पाउच दे सकता हूँ। थैंक यू। कोई चालाकी नहीं। नहीं नहीं, कोई चालाकी नहीं। पाउच देने में क्या चालाकी, ये लीजिए। तुम लोग इन्हें पकड़ के रखो, मैं अभी आता। पकड़ के रखो इसको, छोड़ना मत उसको, बहुत होशियारी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आपका चेहरा देखा देखा लग रहा है। तुम भी पुलिस स्टेशन के काफी चक्कर लगाते हो ऐसा लग रहा है, इसीलिए तुम्हें सारे पुलिस वाले दिखे दिखे से लग रहे हैं। ओ ना जी ना, ओ मैं तो गैराज वाला हूँ, गैराज के बहुत चक्कर लगाता हूँ, पुलिस थाने के नहीं। तो फिर ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? अरे बेटा क्या कर रहे हो, मेरी दवाई है, रख दो अंदर। डोंट वरी, मैं दवाई रख दूंगा। मिल गई मुझे मूर्ति, मिल गई, मिल गई। मेरा मतलब है मूर्ति मिल गई। चाचा जी, ये पाउच तो आपका है। आपके पाउच पे मूर्ति? अरे नहीं, वो आने के बाद मुझे दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने पाउच खोला ही नहीं था। लेकिन दादाजी, ये मूर्ति आपके पाउच में कहाँ से आई? पता नहीं टप्पू बेटा, वो तुमसे पुलिस बुलवा लेगी, फिकर मत करो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मूर्ति थोड़ी है। कोई बात नहीं, वहीं खड़े रहो। हाँ टोनी, बोल। मेरे दिल की कली खिल गई, मुझे मूर्ति मिल गई। वाह क्या बात है, तू एक काम कर, वो मूर्ति लेकर जल्दी से मेरे पास आ जा, मैं भी गोवा आ गया हूँ। बॉस, आप गोवा में हो? टोनी, मैं अपने बागा बीच वाले बंगले पर हूँ, तू जल्दी से मूर्ति लेकर आ जा। ओके ओके बॉस, ओके मैं रखता हूँ। इस 5 करोड़ की मूर्ति के लिए टोनी ने कितने पापड़ नहीं बेले, कितनी कोशिशें की, कितने हथकंडे अपनाए, कितनी तरकीबें आजमाई, लेकिन नाकाम। अरे सर पे नारियल गिर गया, खुद पानी में गिर गया, लेकिन मूर्ति नहीं मिली। आखिरकार टूटे फूटे घायल टोनी ने आखिरी दाव आजमाने की कोशिश की है, और ये आखिरी दाव आर पार का है। देखना यह है कि टोनी अपने बॉस जॉनी को क्या मूर्ति वापस देगा, क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे मूर्ति समेत इस गिरोह को पकड़ने में कामयाब होंगे, या गोकुलधाम वाले फंस जाएंगे। भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब इसी गोवा में मिलेगा दिलचस्प अंदाज में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।